हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप यहां पर किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जैसे कि 5 साल आपने किया या लगातार 10 साल किया, उसके बाद कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे कि आपको SIP बंद करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आप SIP बंद कर देंगे तब क्या होगा, जो भी आपका अमाउंट है उसका क्या होगा, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं या फिर उसका जो अमाउंट है वो वहाँ पर बना रहेगा, वो और बढ़ता रहेगा, क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ठीक है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर समझते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो यहां पर कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आप यहां पर मंथली 2000 रुपए का SIP करते हैं, 2000 रुपए पर मंथ का, तो आपको शुरुआत के स्टार्टिंग 15 ईयर्स का रिटर्न शुरुआत के 15 साल में आपको मिलता है 13,53,726 रुपए, ठीक है, जो कि बहुत इतना बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, शुरुआत के 15 साल अगर आप SIP करते हैं लगातार, तो आपका जो अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है यहाँ पर 13,53,726 रुपए। लेकिन यही अगर आप कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 15 ईयर्स, मतलब कि शुरुआत के 15 साल में आपका अमाउंट बना, आपका बना 13,53,726, लेकिन यही SIP अगर आप कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर बूम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये होती है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये अमाउंट कितना हो गया, 1,40,19,641। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो आपका जो डिफरेंस बनता है 1,26,65,915 का। अगर आपने शुरुआत के 15 साल मेहनत करके यहाँ पर SIP किया तो आपको कितना 13,53,726 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर विड्रॉल कर लेते हैं या फिर SIP बंद कर देते हैं तो आपका जो SIP है, जो आपका वेल्थ है, वो जनरेट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वेल्थ हो बन जाएगा 1,40,19,641 का। तो आपको समझ में आ चुका होगा द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। जैसे कि यहां पर आइंस्टीन ने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो 8th वंडर है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला गया है। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 2000 रुपए का हम लोगों ने SIP किया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो शुरुआत के 10 साल, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक बंदा राम है, एक बंदा श्याम है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया, शुरुआत के 10 साल में अगर लगातार दोनों लोग SIP करेंगे तो क्या होगा कि इसने 10 साल SIP किया तो इतना 2,40,000 इसका भी इन्वेस्टेड होगा, राम का, और शाम का भी 2,40,000 इन्वेस्टेड होगा, ठीक है। गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर आई ओपनिंग, यहाँ पर लेसन देखने को मिलेगा, आपकी यहाँ पर आंखें खुल जाएंगी कि आपको क्यों यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, आपको SIP के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जो अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है उसको क्यों विड्रॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों आपको 10 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर आपका इन्वेस्टेड है 2,40,000, रिटर्न मिला आपको 3,17,315 रुपये, तो श्याम को भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो 3,17,000, और यहाँ पर टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 10 साल बाद राम का और श्याम का दोनों का 5,57,315 हो जाएगा, ठीक है। उतना ही राम का है, उतना ही श्याम का है। लेकिन 10 साल बाद क्या है कि राम को कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है या उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे कि COVID-19 की सिचुएशन आ गई थी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपना दिन का खर्चा निकालने के लिए भी पैसे नहीं थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। तो उस केस में ऐसा ही कोई अगर सर्कमस्टेंसेस आ जाता है और किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पर SIP को बंद कर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि राम के साथ ये सिचुएशन आ जाती है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये। तो ये राम ने अपना जो SIP है उसको बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन श्याम ने क्या है कि उसको कंटिन्यू रखा। अब चलिए दोस्तों शुरुआत के 10 साल में जो टोटल कैपिटल बना वो कितना बना, 5,57,315 रुपये का। लेकिन आप नेक्स्ट 10 साल की बात करें तो यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट है वो राम का और श्याम का दोनों का क्या है, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगेन इन्वेस्टेड 10 साल की बात करें तो यहाँ पर राम ने तो SIP बंद कर दिया, इसलिए इसका जो अमाउंट है वो क्या, जीरो है। मतलब कि इसने 10 साल में कितना इन्वेस्ट किया, जीरो अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि इसने तो अपना SIP बंद कर दिया। केवल और केवल जो ये अमाउंट पड़ा हुआ है ये एज ए लमसम काम करेगा, ठीक है। अब इसने SIP बंद कर दिया तो यहाँ पर जो इस 10 साल में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है, जीरो है। इसका जो ये अमाउंट है, जो ये वाला अमाउंट बनेगा उसका शुरुआत के 10 साल में, ये अब अगले के 10 साल के लिए ये लमसम के लिए काम करेगा। तो अगले 10 साल में ये कितना रिटर्न मिलेगा, 16,97,315 रुपये। ये केवल एग्जाम्पल नहीं है, हम लोग कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं
देख लेता हूँ, ये देख सकते हैं कि मैंने एस आई पी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर लमसम की बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो राम ने है वो अपना एस आई पी जो है बंद कर दिया है, तो ये अमाउंट एज ए लमसम काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 557,315, तो यहाँ पर 557,315, ठीक है, ये इतना अमाउंट उसके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग एवरेज 15% मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 13 से 17% आपको रिटर्न मिलता है, अगर आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लैक्सी कैप में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 20 से 25% तक आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है, इसलिए हम लोग एवरेज 15% का लेके चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले 10 साल के लिए, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 10 साल, क्योंकि इसने 557,315 रुपये अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसका जो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 22,54,650। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो गया टोटल वैल्यू, 22,54,650, इसको रिटर्न कितना मिला, 16,97,000 का। देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है 16,97,000 का है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर श्याम की बात करते हैं, तो श्याम के पास शुरुआत के 10 साल में कितना अमाउंट बना, 557,315, लेकिन इसने एस आई पी को कंटिन्यू रखा है। ठीक है, एस आई पी को कंटिन्यू रखा है, तो इसने अगेन इन्वेस्ट कर दिया है 2,40,000 रुपये इस 10 साल के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो इसने कितना जीरो किया था, लेकिन इसने एस आई पी कंटिन्यू रखा, तो इसने इतना इन्वेस्ट किया है, तो इसका जो टोटल रिटर्न मिला 25,51,910 रुपये मिला। अगर हम लोग टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,31,910 हो गया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों के डिफरेंस में कितना इफेक्ट पड़ा, 7,77,260 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि इसने 2,40,000 रुपये और इन्वेस्ट किया और उसके रिटर्न में उसको कितना मिला, 7,77,260 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना, अगर यहाँ पर SIP बंद कर देते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर केवल इतना हुआ, लेकिन अगर SIP कंटिन्यू रखते हैं तो देख सकते हैं कि इसका जो अमाउंट है वो इतना हो जाता है। दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 7,77,260 है, ये भी अमाउंट की बात करें तो ये हमको उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा है, उतना अट्रैक्टिव अमाउंट नहीं लग रहा है। लेकिन चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, अगर मैं नेक्स्ट 10 साल की और बात करूँ तो यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट हो जाएगा राम का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 22,54,650, और श्याम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 30,31,910। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो राम की SIP वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इसने SIP बंद कर दिया है, लेकिन यह श्याम क्या है, कंटिन्यू किया हुआ है, तो इसने अगले 10 साल भी 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर नेक्स्ट 10 साल में इसका जो रिटर्न मिलेगा 68,66,667 रुपये मिलेगा, और यहाँ वहीं श्याम को कितना मिलेगा, 1,32,99,641 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर राम का कितना हो गया, 91,21,317 इतना रुपीस हो गया, जबकि यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो गया, 1,40,19,641 रुपये दोस्तों। और यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो यह आता है 48,98,324, मतलब लगभग यहाँ पर 49 लाख का डिफरेंस आता है। ठीक है, सो गाइस ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये है आपका SIP की पावर। अगर आप यहाँ पर SIP को कंटिन्यू रखते हैं तो देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप कितना वेल्थ जनरेट कर पाते हैं, अगर आप SIP को बंद कर देते हैं तो आप कितना जनरेट कर पाते हैं। और यहाँ पर ये गलती तो आपको करनी ही नहीं है कि SIP को बंद करना है, उसके साथ साथ आपको ये भी नहीं करना है कि शुरुआत के आपको 10 साल लग गए आपको 557,000 बनाने में, तो आपने क्या किया कि इसको अमाउंट को निकाल लिया, खर्च कर दिया, या इसमें से 1,00,000 या 2,00,000 रुपए निकाल लिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शुरुआत में तो और रुपए ऐड करना है, जिससे कि आपका जो वेल्थ है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो यहाँ पर शो कर सके। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, अगर SIP बंद कर दिया तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि अगर आपको SIP बंद कर दिया तो ये क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल वेल्थ है लॉन्ग टर्म में जो बनने वाला था वो नहीं बनेगा, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ 30 साल की, तो यहाँ पर 49 लाख का आपको नुकसान हो जाएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा शुरुआत में, अगर रुपये आपने SIP बंद कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, अगर आप यहाँ पर रुपए निकाल लेंगे तो और भी यहाँ पर जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों शुरुआत में हमको रुपए SIP बंद नहीं करना है, और इसका जो अमाउंट है वो भी नहीं निकालना। जब ये 1 करोड़ के पार हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर मंथली कुछ रुपए अपना खर्चों के लिए निकाल सकते हैं, वो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों दिया हुआ है कि अगर SIP बंद कर दिया तो क्या होगा, तो दोस्तों कुछ नहीं, आपने अगर SIP बंद कर दिया तो आपका जो
पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो काम करेगा, लेकिन आपका जो मनी है वो थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जब चाहे आप जितना अमाउंट चाहे उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पर SIP बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो अमाउंट है वो घट जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो भी आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपने SIP बंद कर दिया था, यहाँ पर भी SIP बंद कर दिया था, लेकिन जो आपका अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे 91 लाख है, इसमें से कुछ लाख आप निकालना चाहते हैं या पूरा निकालना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है, आपको नुकसान नहीं होगा, बस ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में आपका जो डिफरेंस है वो काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। और बाकी आप उसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें और इन्वेस्टेड करना चाहते हैं तो इन्वेस्टेड कर सकते हैं। अगर आपने ये क्या है कि SIP को यहाँ पर नहीं किया, फिर से आप SIP करना चाहते हैं तो उसी फंड में आप फिर से एक नया SIP कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्वाइन मोबाइल एप्लीकेशन है, जिरोधा का, एंजल वन है, ग्रो है, वहाँ से जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आप भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग काफ़ी कुछ सीख सकें और अपनी जो वेल्थ है लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को बना सकें। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, आई होप आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, मैं सभी रिप्लाई करता हूँ। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान, थैंक यू।